Hello students, let's see the question. So the question is ATP as well as NADPH both are required during the conversion of dash in C3 cycle. पूछा गया कि C3 cycle में इनमें से किसका जो conversion हो रहा है उसमें ATP as well as NADPH जो है दोनों required होते हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पे C3 cycle की अगर हम बात करें, पहला क्या होता है यहाँ पे carboxylation, जिसमें क्या होगा जो RUPP है that is 5 carbon compound, ये जो है यहाँ पे CO2 आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है कार्बन फिक्सेशन हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है एक तरह से. और ये कौन इन्वॉल्व है इसमें, रुबिस्को एंजाइम, ये कैटलाइज कर रहा है, रुबिस्को एंजाइम कैटलाइज कर रहा है रिएक्शन. फॉर्म क्या होगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट. नाउ ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है इसका फर्दर क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा और यहाँ पे हो क्या रहा है, एक मॉलिक्यूल का जब रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या यूटिलाइज होगा, एक एटीपी प्लस एक एनएडीपीएच. लेकिन दो होंगे तो यहाँ पे कितने यूटिलाइज होंगे, दो एटीपी दो एनएडीपीएच और यहाँ बनेगा क्या, टू एडीपी प्लस टू पीआई प्लस टू एनएडीपी प्लस. तो ये जो रिडक्शन होगा इससे बनेगा क्या, ट्राइस फॉस्फेट शुगर दैट इज PGAL. यहाँ पे क्या है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो है इस स्टेप में हो रहा है, रिडक्शन वाले स्टेप में, तो इनमें से कौन सा हुआ, ये जो PGA2 PGAL जो हो रहा है इसमें ये रिक्वायर्ड है दोनों के दोनों. यहाँ पे ये जो पहला वाला स्टेप है इसमें तो नहीं रिक्वायर्ड है, तो गलत है, तो कार्बोक्सिलेशन में ये रिक्वायर्ड नहीं होते दोनों. देन फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट टू ग्लूकोज, ये गलत है, ऐसा तो नहीं है C3 साइकिल में, ऐसा तो नहीं होता कहीं. PGAL2 DHAP, ये भी गलत है, ग्लाइकोलिसिस में होता है जिसमें क्या है ये जो फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, डाइहाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट में. इनमें से कौन सा करेक्ट है, दिस सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.